कैपलर एक साइंटिस्ट थे। कैपलर ने प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, प्लैनेट्स के मोशन को, और उन्होंने ये पाया कि प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे ही प्लैनेट्स कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए रिवॉल्व कर रहे हैं। मर्जी नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व करो, कितने भी स्पीड से रिवॉल्व कर लो, कुछ सर्टेन रूल्स हैं और वो सारे रूल्स सारे ही प्लैनेट्स पर एप्लीकेबल है, सारे प्लैनेट्स पर एप्लीकेबल है। और फिर इन्हें को कहा गया कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हेडिंग डालते हैं हम कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहली बात जो उन्होंने ऑब्जर्व करी है वो क्या, प्लैनेट सन के राउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहे, ये आपका सन, ओके, और प्लैनेट इस सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में नहीं, एक इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। इलिप्टिकल पाथ का मीनिंग, कभी तो ये सन से दूर होता है बहुत ज्यादा और कभी ये सन के पास आ जाता है, इलिप्टिकल पाथ पर ये चल रहा है। और सन की सिचुएशन कहाँ है, सन की सिचुएशन है एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स, जो भी इलिप्स बन गया इसका एक फोकस यहाँ एक फोकस इधर होगा, उन दोनों में से किसी एक फोकस पर, ऐसा नहीं कि सन यहाँ बीच में रिवॉल्व करता हुआ प्लैनेट कभी तो सन के बहुत पास होता है और कभी सन से दूर चला जाता है, ठीक है। तो नंबर वन लिखते हैं हम, नंबर वन पॉइंट, सन रिवॉल्व, सॉरी प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स। क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि जब प्लैनेट सर से सन से दूर होता है तब इसका मोशन स्लो है, और जैसे जैसे सन के पास आता रहता है वैसे वैसे इसका मोशन बढ़ता रहता है। ये मेरे पेन की टिप है प्लैनेट, इस पेन की नोक, पेन की टिप है प्लैनेट, यहाँ चल रहा है, तो जब ये सन से दूर है तब इसका मोशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो मोशन है, और जैसे जैसे सन के पास आता रहता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जब सन से दूर जाने लगता है तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या होती है, फिर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब सन से बहुत दूर जाता है तब इसकी वेलोसिटी बहुत ही बहुत 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 कम हो जाती है। जैसे जैसे सन के पास आता रहेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, सन को तो बहुत जल्दी पार करके यह वेलोसिटी बड़ी 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 तेजी के साथ निकल गया, और फिर वापस क्या होगा, वापस ये स्लो चलने लगेगा, कुछ और नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, याद कीजिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस प्लैनेट का एक सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई ओमेगा कांस्टेंट रहना, ओमेगा अगर आई चेंज होता, आई क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है आपकी, डिस्टेंस कम हो रही है तो आई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है तो आई अगर डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा को अपने आप बढ़ना पड़ता है, वही चीज है और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब प्लैनेट सन से बहुत दूर है तो इसकी स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है, जब सन के पास है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तेजी के साथ चल रहा है, करेक्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ और है जो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया प्लैनेट को चार अलग अलग टाइम पर, एक बार जब प्लैनेट की पोजीशन थी P1, एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद प्लैनेट की पोजीशन उन्होंने मेजर करी कितनी, P2। P1 ऑब्जर्वेशन और P2 ऑब्जर्वेशन के बीच एक सर्टेन टाइम डिफरेंस है, एक सर्टेन टाइम गैप है, ये सर्टेन टाइम गैप आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज 2 महीने बाद देखा आपने, आप मार्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने देखा कि मार्स यहाँ से कैसे, मार्स का ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे आप, ऐसा तो नहीं अच्छा हो रहा मार्स सामने हाँ, और 2 दिन बाद देखा अबे यहाँ गया तो यहाँ गया, अच्छा 4 दिन बाद देखा अरे यहाँ गया, अच्छा नहीं, प्लैनेट को ऑब्जर्व किया
एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया, आपने देखिया कि हॉरिजॉन्टल से कितना एक्सिस बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए कितना ऊपर उठाना पड़ा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक। और मोस्टली नॉर्थ से हम कंपेयर करते हैं, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर है तो नॉर्थ से कितने एंगल पर आ रहा है। दो एंगल मेजर करने पड़ेंगे आपको, एक तो डायरेक्शन के लिए और एक इसके एल्टीट्यूड के लिए। फिर एक महीने बाद आपने प्लैनेट मार्स को फिर देखा, अब आपने देखा यहाँ है मार्स, इधर से टेलीस्कोप मुझे करना पड़ा, अब कितनी हाइट पर है और नॉर्थ से इसका कितना एंगल बन गया, दो अलग अलग पोजीशन आ गई, ठीक है। और उन पोजीशंस को इन्होंने क्या कर लिया, उन दो पोजीशंस को इन्होंने अपने अपने डायग्राम में मार्क कर लिया, पोजीशन पी वन पोजीशन पी टू। पी वन को एस सन से मिला दी लाइन, पी टू को पोजीशन को भी सन से मिला दी लाइन। उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड गुजरने दिया इन्होंने, पी वन ऑब्जर्वेशन पी टू ऑब्जर्वेशन के बीच सपोज एक महीने का टाइम था, तो आप पाँच छः महीने बाद देखा, पाँच छः महीने बाद मार्स की पोजीशन बदल चुकी होगी ना, कहीं और आ चुका होगा, अभी आ चुका है पी थ्री पोजिशन पर। फिर से वही एंगल वेंगल सब नाप लिए और उन एंगल के हिसाब से डायग्राम में अपना पी थ्री पोजिशन बना दी। अब एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन लिया, लेकिन इस बार पी थ्री के बाद जो अगले ऑब्जर्वेशन का ड्यूरेशन है, टाइम गैप है, वो उतना ही टाइम गैप रखा है जितना P1 और P2 के बीच में टाइम गैप था। P1 से P2 के बीच टाइम गैप अगर सपोज एक महीने था, तो P3 ऑब्जर्वेशन के एक महीने के बाद फिर से नया ऑब्जर्वेशन लिया P4, जबकि P2 और P3 के बीच का ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने क्या करा कि इस P3 पोजीशन और P4 पोजीशन को भी जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, सन से जोड़ दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये ट्राइंगल जैसे बन गई है, इस ट्राइंगल को ऐसी शेड किया कि ट्राइंगल बन गया, भाई ये तो लगभग लगभग ट्राइंगल से बन रहे हैं, ट्राइंगल बन गए। और उन्होंने ये पाया कि ट्राइंगल पी वन पी टू एस, पी वन एस पी टू, ट्राइंगल पी वन एस पी टू और ट्राइंगल पी थ्री एस पी फोर, इन दोनों का एरिया एक जैसा निकल कर आया। पी वन और पी टू इस पूरे ट्रायंगल का जब आप एरिया फाइंड करेंगे, ये आपका बेस है तो हाइट बहुत बड़ी है, बेस छोटा है, लेकिन P3 P4 में जब बेस काफ़ी बड़ा हो गया, देखो P1 P2 के बीच का गैप कम है, P3 P4 के बीच का गैप कहीं ज़्यादा है, तो फिर इसकी हाइट कम है एरी। लेकिन दोनों को जब आप हाइट बेस वेस करके एरिया फाइंड करेंगे, तो P1 S P2 एरिया और P3 S P4 एरिया दोनों आपस में इक्वल हो गए। जबकि P1 से P2 तक प्लैनेट धीरे धीरे चल रहा था और P3 से P4 तक प्लैनेट की चलने की वेलोसिटी तेज थी, स्पीड हाई थी, तब भी इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया बने इक्वल। अब ध्यान से देखो ये कौन सी लाइन है, S से लेकर P1 तक, इट इज द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, इट इज द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, ओके। तब उन्होंने क्या कहा, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इन टाइम इंटरवल। ये मेरा एक दीवार है, दीवार पर जरा दाग धब्बे लगे हुए थे, मैंने ब्रश लिया और यूं मार दिया, ब्रश के नीचे साफ हो गया, तो एक्चुअली ब्रश ने क्या करा, गंदगी को स्वीप कर दिया, स्वीप अवे कर दिया इसने, जो भी इसके ऊपर चिपका हुआ था, मकड़ी सकड़ी ये वो, उन सबको इसने स्वीप करके अलग कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ भाई फर्श गंदा हो रहा है, आपने एक झाड़ू मारी, साफ फर्श निकल कर आ गया, वहाँ से एक एरिया बन गया ना, वो एक एरिया बन गया ना, तो आप यह क्या कहेंगे, ये एरिया कौन सा है, इट इज़ द एरिया स्वेप्ड बाई योर झाड़ू, झाड़ू ने जो एरिया स्वीप करा ये एरिया है जो साफ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करता है। और इसके लिए फिर उन्होंने एक नया वर्ड यूज करा, कहा एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज अ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल।
भले ही प्लैनेट स्लो मोशन में है, भले ही वो नॉर्मल मोशन में है, भले ही वो फास्ट मोशन में है, हर बार सेम टाइम पीरियड में सेम एरिया स्वीप करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अब इसको बताइए, लिखिए द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज अ लाइन जर्निंग प्लैनेट टू द सन, अ लाइन जर्निंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या, एक पॉइंट और, एक रूल और उन्होंने ऑब्जर्व करा क्या, ये बात तो तय होगी कि प्लैनेट कभी सन से बहुत दूर होता है, कभी सन से कम होता है। तो उन्होंने सन से दूर वाले, सन से पास वाले दोनों डिस्टेंस का एवरेज निकाल लिया। क्या एवरेज डिस्टेंस निकाला, आर। कौन सा है ये डिस्टेंस, ये ना तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनके बीच का एवरेज है। और क्या देखा कि टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। अब ये टाइम पीरियड समझते हो क्या है, ये अपने पाथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में प्लैनेट ने जितना भी टाइम लिया उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। तो उन्होंने देखा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। देखो ये मैंने एक प्लैनेट के लिए बनाया है, हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट किसी दूसरे रास्ते पर चल रहा हो सकता है उसका इलिप्स यही बन रहा हो, केवल इतना सही बन रहा हो ये, तो भी तीनों लॉ फॉलो होंगे। क्या सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दिस इलिप्स, कहीं भी अगर आप लाइन ज्वाइन कर लोगे इसे सन से तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। और तीसरा उन्होंने देखा कि जो पास है सन के, जिसके लिए मीन डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस कम है, उसके लिए टाइम पीरियड भी कम है, और जिस प्लैनेट के लिए मीन डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस बड़ी है उसके लिए टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। कैसे है दोनों के बीच में आपस में रिश्ता, टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात, तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सेटेलाइट राउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, पहला लॉ, प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं होता, इलेप्टिकल है। और कैसा इलेप्टिकल है, सच दैट सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पीरियड, मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिमेन सेम। एरियल वेलोसिटी सैटेलाइट है जबकि लीनियर वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है, जब ये लार्जेस्ट डिस्टेंस पर है तब मिनिमम वेलोसिटी होती है, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है तो फिर इसके चलने की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या कि अब दो प्लैनेट्स का कंपैरिजन है, एक प्लैनेट जो छोटे ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा प्लैनेट जो बड़े ऑर्बिट में घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि छोटे वाले ऑर्बिट में घूमने वाले प्लैनेट का टाइम पीरियड कम होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि छोटे ऑर्बिट में प्लैनेट कौन सा है, हो सकता है भारी भरकम हो प्लैनेट ही है, हो सकता है बड़े वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इस प्लैनेट का मास कम हो, हल्का फुल्का प्लैनेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सन। ठीक है, ये कैपलर